Good morning, Grid 5. How are you? I hope so you are doing good, enjoying your vacations at your home very safely. Please take care of yourself and your family. Write in order starting with the smallest. सबसे पहले तो हमें smallest values का पता होना चाहिए. If they are with some specific units, तो हमें उन units का पता होना चाहिए. Which is the smallest one, then which is the greater, the greatest one, ठीक है? हम उस हिसाब से उसको लेकर चलेंगे. सो वी हैव टू फॉलो टू स्टेप्स इन दिस क्वेश्चन राइट. द फर्स्ट बी पार्ट इज 3/4 meters एंड देन 1.7 meters, 120 centimeter एंड 35 centimeter. हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. मिलीमीटर के बाद हैं सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स के बाद हैं मीटर्स एंड देन किलोमीटर्स. तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि सेंटीमीटर्स पहले आएंगे और मीटर्स बाद में आएंगे, ठीक है? बट देयर वी हैव वन इन द फ्रैक्शन एंड सेकंड वन इन द डेसिमल. तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. हम जो फर्स्ट वैल्यू है इसको भी डेसिमल में ले आते हैं. हाउ? इसको डिवाइड कर देंगे हम 3/4 एंड द आंसर विल बी 0.75. अब देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज जो हैं, पहली दो मीटर्स वाली दोनों डेसिमल में आ गई हैं. इट विल बी ईजियर टू राइट नाउ फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट वन. तो सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट. मैंने आपको बताया कि मीटर और सेंटीमीटर में से स्मॉलेस्ट इज सेंटीमीटर. विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट? वैसे तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट मिलीमीटर है, ठीक है? मिलीमीटर से बड़ा है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से बड़ा है मीटर, देन किलोमीटर्स. ओके, अभी हम उसकी डिवीजन में नहीं जा रहे, दैट इज़ समथिंग एल्स. वो फिर हमारा टॉपिक ही थोड़ा और हो जाएगा, ठीक. अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंपली देख लेते हैं. पहले में हमने फ्रैक्शन में चेंज कर ले, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया है. इन द सेकेंड वन हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको देखते हैं. पहले क्वेश्चन देखिए आप, 35 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर. आपको क्या लगता है, 35 इज स्मॉलर और 120? 35, वेरी गुड. सो 35 विल बी एट द फर्स्ट. अब 35 हमने फर्स्ट पे लिख दिया विद सेंटीमीटर्स एंड देन 120 सेंटीमीटर्स. कम टू द मीटर्स वैल्यू, वन इज 0.75 मीटर और सेकेंड वन इज 1.7. तो 0.75 बड़ी होगी या 1.7? यस, 0.75 छोटी है एंड 1.75 बड़ी है. तो हमें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाना था. होप सो इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड इन दैट वी हैव टू फाइंड आउट द HCF. HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, देन वी आर गोइंग टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड इफ देयर विल बी मोर देन वन वी विल मल्टीप्लाई द factors and then we get the HCF. The first one is 27 and 45. First we will find out its factors, like starting from the smallest number. Okay, 27. If we talk about number 2, 2 ke table mein 27 nahi aata because at the end it's a odd number, so even pe to ye divide nahi hoga, theek hai? अब हम करते हैं इसको 3 पे. 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27. देन अगेन 9 किस टेबल में आएगा, 3 में. 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज 3, फिर आपको पता है अपने ही टेबल में रहेगा. अगर इसका एक स्टेप अगर आप और करना चाहें तो वो हो जाएगा 3 1 ज़ा 3. अगर सिंपली इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ 45. अब 45 हमने चेक करना है किस टेबल में है 45. इट इज़ इन 5. यस, 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45 एंड अगेन 9. इट्स 3 3 ज़ा 9. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 27? दे आर 3 × 3 × 3. यही है ना, 3 × 3 आ गया हमारे पास 27 के मल्टीपल्स. अगर हम 45 के मल्टीपल्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या आए हैं, 3 × 3 × 5, ठीक है? अब इसका कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. पहले हमने फैक्टर्स लिख लिए, अब हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करना है इसका.
तो यहाँ हमारे पास दो कॉमन निकल रहे हैं, थ्री, फिर अगेन थ्री, ठीक है। फिर जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा, डेट इज़ नाइन। क्या HCF आ गया? नाइन। इन द सेम वे इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ ऑफ 56 एंड 72। पहले आप चेक करोगे 56 किस टेबल में है, यू हैव टू चूज द मिनिमम डिजिट और द वैल्यू। सबसे स्मॉलेस्ट से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट टू, देन टू थ्री ज़ा सिक्स, वन हम कैरी ले लेंगे, इट विल बिकम 12। तो टू सिक्स ज़ा 12, ठीक है। टू थ्री ज़ा सिक्स, देन टू सिक्स ज़ा 12। अब 36 है, एट द एंड हमारे पास इवन है, इट मीन्स डैट ये टू पे डिवाइड हो जाएगा। तो टू वन ज़ा टू, एंड अगेन टू एट ज़ा 16, टू एट ज़ा 16, अगेन 18 आ गया हमारे पास, एंड वो टू में है डिविजिबल, टू का होता है डिवाइड। टू नाइन ज़ा 18, टू नाइन ज़ा 18, एंड अगेन इट्स थ्री। तो थ्री हमें पता है टू के टेबल में नहीं आता, ना टू पे डिवाइड होता है, तो हम क्या करेंगे, थ्री से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री थ्री ज़ा नाइन। और सेकेंड साइड पे अगर हम 56 का करते हैं, टू टू ज़ा फोर, वन केरी चला गया, इट इज़ 16, टू एट ज़ा 16, देन टू वन ज़ा टू, एंड टू फोर ज़ा 8, फिर टू सेवन ज़ा 14, एंड सेवन वन ज़ा 7। अब हमारे पास यहाँ चेक कर लेते हैं हम इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या आए, 272 के हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 56 के हैं, सॉरी ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 7। और 72 के अगर देखते हैं वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी हमने फैक्टर्स तो लिख लिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर निकालना। क्या है कॉमन फैक्टर निकालना? कॉमन फैक्टर हमारा क्या निकला है, 3 टाइम्स 2, तीन दफ़ा वो सेम आ रहा है ना, दोनों वैल्यूज़ के फैक्टर्स में कॉमन आ रहा है, वो हम ले लेंगे, ठीक है। फिर इसका आंसर सब लिखना है आपने, बहुत इसको केयरफुली देखना है। इसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई इस तरह करना है, टू टू ज़ा फोर, देन फोर टू ज़ा 8, ठीक है। टू टू ज़ा 4, देन फोर टू ज़ा 8, एंड 8 इज़ द HCF ऑफ 56 एंड 72। कम टू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15, टेक द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 9। वेरी सिंपल, सबसे ईजी। सबसे पहला स्टेप हम इसका क्या करेंगे, हमने इसके तमाम डिजिट्स को अलग से सेपरेट सम अप करना है, लाइक 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4। ओके, अब 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3, एंड 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9, एंड 9 प्लस 0 इक्वल्स टू 9, एंड 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 14, एंड 14 प्लस 4 इक्वल्स टू 18। ये हमारा पहला स्टेप था, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, देखना है कि जो आंसर आया है, इधर इट इज़ डिविजिबल बाय 9, अगर तो वो 9 से डिविजिबल है, 9 का मल्टी है उसके, 9 की टेबल में आता है, या 9 का डिविजिबल है, इट मीन्स डैट इट इज़ डिविजिबल बाय 9। अगर तो वो 9 की टेबल में है, वो मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब है वो डिवाइड हो सकता है, एंड वी हैव टू टेक दैट वैल्यू। एक मैंने करवा दिया है, द रेस्ट इज़ योर इज़ इन योर असाइनमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड और सब्ट्रैक्ट। इसका सबसे पहला द क्वेश्चन इज 3 होल 3 ओवर 5, 3 होल 3 बाय 5 प्लस 2 होल 3 बाय 4। सबसे पहले जब भी मिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं, हम क्या करते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं। हाउ? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 थ्री ज़ा 15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या गया 15। जो न्यूमिरेटर में वैल्यू होती है, हम उसको उसमें ऐड करते हैं, तो वो 3 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 18। क्या आ गया हमारे पास, 18, 18 बाय 5, 18 बाय 5। डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना आपने, ठीक है। एंड कम टू द नेक्स्ट वैल्यू, डैट इज़ 4 इंटू 2 इज 8, 4 टू ज़ा 8, एंड ऐड 3 इन 8, 9, 10 एंड 11, दैट इज़ 11 बाय 4। पहला स्टेप तो हमारा हो गया सिंप्लीफिकेशन का।
सेकेंड स्टेप में हमने जब भी आपने याद रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्ट करते हुए हमें हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. डिनोमिनेटर सेम होगा तो यू कैन ऐड इट ईजिली, अदरवाइज यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ दैट वैल्यू. जैसे हमारे पास 18/5 है और इधर है 11/4. या तो हम इसके दो तीन तरीके होते हैं एलसीएम को लेने के, या तो हमारे पास जो एक वैल्यू होती है उसी सेकेंड साइड पे भी उसी वैल्यू को हमने बनाना होता है मल्टीप्लाई करके. अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, 5 को 4 से जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में ही, लाइक 5 को 4 से और 4 को 5 से. और फिर जिसको आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, लाइक वी आर मल्टीप्लाइंग 5 × 4, नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स डैट हमें ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऑन द अदर साइड अगर हम नीचे 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 5 4 = 20, और अगर हम 18 को 4 से करते हैं तो इट इज़ 72 प्लस 5 4 = 20, 11 5 = 55. अब हमारा देखिए, मैंने कहा था डिनोमिनेटर सेम होगा तो यू कैन ऐड द वैल्यूज़. अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे. ठीक है, 72 + 55 = 127. डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करते. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज द एडिशन वन. सब्ट्रैक्शन में हमने क्या करना है, जहाँ सिर्फ प्लस का साइन है वहाँ हम माइनस कर देंगे. ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क मी. क्वेश्चन नंबर 17 इज राइट एज डेसिमल. इट्स क्वेश्चन इज 8 whole 5/10. हमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस वैल्यू को हम डेसिमल में लेकर आएंगे. द फर्स्ट वन विल बी, पहले हम यहाँ पे प्लस का साइन ऐड करेंगे बिटवीन द वैल्यूज़, 8 + 5/10. एवरी टाइम आप क्या करोगे, प्लस का साइन ऐड करोगे. ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में आप देखिए 8 + वैसे ही है आ रहा. ठीक है, 5 / 10 मीन्स हम 5/100 को, 5/100 को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि डिवाइड का साइन आए. एम आई राइट? एंड इफ वी डिवाइड 5/10 हमारा आंसर होगा 0.05. आपने डिवाइड करना है इसको 0.05, और जब हम उसको 8 में ऐड करेंगे द आंसर विल बी 8. के बाद वाली वैल्यू आ जाएगी 0.05. ठीक है, 8 हमारे पास जो लेफ्ट में था और 0.05 जो पॉइंट के बाद था उसको हम ऐड कर देंगे. द सेकेंड वैल्यू इज, द सेकेंड क्वेश्चन इज 7 whole 1/10. अगेन पहले हम प्लस के साइन के साथ लेकर आएंगे उसे, फिर हमें क्या करना होगा, 1/2 को डिवाइड करना है. एंड जब डिवाइड किया 1/2 को, इट इज़ 0.5. क्या आंसर आया, 0.5. अब हमें 7 में 0.5 को ऐड करना है. ये जो पॉइंट से पहला जीरो है इट इज़ वर्थलेस, ये हमारे यूज़ में नहीं है. ठीक है, तो पॉइंट के बाद की वैल्यू लिखनी है आपने, 7.5. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज राइट वर्टिकली एंड कंप्लीट. हमने क्या करना है, जो भी वैल्यूज दी होंगी हमें सिर्फ उसको लिखना है. ठीक है, और जो भी पहले हमारे पास अगर ज़्यादा डिजिट्स हैं उसके बाद कम आ रहे हैं तो हमने लिखना राइट साइड से स्टार्ट करना है. ओके, जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 2,68,039 plus 53,458. This is the second value. And the third value is 174. This is written in horizontally. हमें इसको vertically लिखना है. Vertically लिखते हुए हम क्या करेंगे, 2,68,039 फर्स्ट पे आ जाएगा, 53,458 सेकेंड पे, एंड द थर्ड वन इज़ 174. स्टार्ट एडिंग दीज नंबर्स, 9 + 8 = 17, 17 + 4 = 21. वी विल राइट 1 एंड टेक 2 एज carry. The next one is 3 + 5 = 8.
एंड 8 + 7 इक्वल्स टू, काउंट इट, 8 + 7, अरे आप काउंट इट, 15, वेरी गुड जॉब. एंड डू यू रिमेंबर दैट वी हैव टू एज कैरी, वी विल ऐड टू, 15 + 2 इक्वल्स टू, यस 17, वी विल राइट 7 हियर एंड टेक 1 एज कैरी. सो 0 + 4 इक्वल्स टू 4, जब भी जीरो में कोई चीज़ ऐड होती है तो वही वैल्यू आती है, ठीक है, मल्टीप्लाई में वो ज़ीरो हो जाती है और सबट्रैक्ट में हमें कैरी लेकर करना पड़ता है इफ़ इट इज़ इन ऑन इन द अबव वैल्यू. सो 4 + 1 इक्वल्स टू 5 एंड ऐड 1 एज कैरी, कितना हो गया हमारे पास 6. कम टू द नेक्स्ट वन, 8 + 3 इट्स 11, वी हैव रिटन 1 एंड टेक 1 एज कैरी. अगेन 6 + 5 इक्वल्स टू 11 एंड ऐड 1 एज कैरी, इट्स 12, 2, 1 कैरी, 2 and 1 इक्वल्स टू 3, वेरी गुड जॉब. Do it very neatly, learn or revise the tables, it will help you. See you in the next lecture. Allah Hafiz.